हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खाजा, जो शादी में बनाया जाता है वही खाजा मैं आज घर पे बनाने वाली हूँ। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। तो खाजा बनाने के लिए मैं 50 ग्राम मैदा ली हूँ, 2 को एक बाउल में पलट लेती हूँ। अब मैं इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। अब मैं मैदे को पानी से गूंथ लेती हूँ। ना तो मैदे को एकदम सख्त गूंथना है, ना ही एकदम मुलायम गूंथना है, एकदम नॉर्मल गूंथना है एक हिसाब से। मैदे को अच्छे से गूंथ लेना है। तो अब देखिए, मैं मैदे को गूंथ चुकी हूँ, एकदम एक परफेक्ट डो बना चुकी हूँ। तो अब मैं मैदे को साइड में रख दी ढककर। तो अब मैं खाजे को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। ध्यान रखें कि तेल हमारा एकदम गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गरम होना चाहिए। तो अब मैं मैदे के डो को एक बार फिर से मतलब गूंथ लेती हूँ अच्छे से। तो अब मैं इसमें 2 डो बनाऊंगी। अब इसको मैं गोल आकार का पेड़ा बना लूंगी एकदम मैदे को। तो सबसे पहले मैं बेलन को बेल लूंगी, रोटी के जैसे बेल लेना है एकदम गोल आकार में मैदे के डो को। अब मैं इस पे ऑयल लगाऊंगी रोटी पे, और इसमें मैं थोड़ा सा मैदा डालूंगी और दोनों को मिक्स करके मैं पूरी रोटी में लगा दूंगी, अच्छे से फैला दूंगी। अब इसको मैं एकदम गोल गोल इसको मैं एकदम बेलन जैसे बना लूंगी रोटी को एकदम। अब एकदम रोटी को मैं रोल जैसे मोड़ ली हूँ, बना चुकी हूँ रोल एकदम बना ली हूँ। अब मैं इसको चाकू से साइड साइड का दोनों साइड का कट करके निकाल दूंगी। ये देखिए मैं कट कर चुकी हूँ। अब मैं इसको एकदम हल्के बेलन से थोड़ा आटा लगा के मैदा लगा के बेलूंगी, एकदम हल्के बेलन से बेलना है, ज़्यादा हमको प्रेशर से नहीं बेलना है। ये देखिए मैं बेल चुकी हूँ। तो अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो अब मैं डालूंगी खाजे को, मैं फ्राई करूंगी। तो ये देखिए हमारा खाजे का जो परत है वो निकल चुका है। मतलब हमको कुछ नहीं करना है, अपने आप वो छोड़ देगा। तो देखिए मेरा खाजा हो चुका है। अब मैं निकाल लेती हूँ इसको तेल से। खाजे को एकदम तेज आंच पे नहीं सेकना है, नहीं फ्राई करना है, नहीं तो अब अंदर से ऊपर से जल जाएगा, यानी कि अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब मैं दूसरा भी फ्राई कर रही हूँ। ये भी हमारा खाजा फ्राई हो चुका है, मैं इसको निकाल ली हूँ।
तो अब देखिए खाजा फ्राई हो चुका है। अब मैं खाजे का मतलब सीढ़ा बनाऊंगी चाशनी। तो मैंने एक पाव चीनी लिया हुआ है, पाव किलो, एंड एक गिलास में पानी डाल रही हूँ उसमें। सीढ़ा को मुझे एकदम सख्त पकाना है, बिल्कुल सीढ़ा कच्चा नहीं रहना चाहिए। सीढ़ा कच्चा रहेगा तो हमारा खाजा अच्छा नहीं बनेगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो चीनी हमारा एकदम पक चुका है, तो अब मैं खाजे को चीनी में डाल के मतलब चाशनी में डाल डाल के निकाल लूँगी। ऐसे ऐसे एक एक करके मैं डालूंगी चाशनी में और निकाल लूंगी बाहर खाजे को। तो अब देखिए हमारा खाजा रेडी हो चुका है बनकर। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना मैं खाजा कैसी बनाई हूँ, एंड मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो आज अब अपना मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आप लोग भी खाजा बनाइए और खाइए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी घर पे ही।